हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की सभी तरफ निंदा हो रही है, माता लक्ष्मी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से आपत्तिजनक बयान दिया है। आप लोग लगातार तमाम भगवानों को आराध्य मानते हैं, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, माता लक्ष्मी के अपमान पर आपका क्या कहना है? देशवासियों मानते हैं माता लक्ष्मी और भगवान को, और भारत भारतीयों का है, और ऐसे अधर्मियों की तो पागल खाने में भेज देना चाहिए। ऐसे पागल जिस तरीके से जब बसपा में थे तो बसपा में नारा लगाते थे, जब वहाँ थे मलाई खा रहे थे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब भारतीय जनता पार्टी में आए मलाई खाना था तब फिर राम राम जप रहे थे, जैसे मलाई खत्म हो गया तो पागल हो गए। अब पागल कुत्ते की तरह उसकी दवाई यही है कि उसे खत्म कर दिया जाए। अब पागल कुत्ता जिसे काटता उसे भी 14 इंजेक्शन लगता है। तो जहाँ है समाजवादी पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहर है वो कितने लोगों को ख़त्म करेगा समाजवादी पार्टी में, वही जाने। और सबको लगता है कि अपने तो पागल हो ही गए हैं, अब कई लोगों का जहर होगा, अब कई लोगों को 14 इंजेक्शन वो लगाएगा। जनता है और निश्चित रूप से उसका बदला लगता है। सर, आपको कि इसके पीछे जो है पूरी समाजवादी पार्टी की कोई सोची समझी साजिश है, क्योंकि अभी तक उनको निष्कासित नहीं किया गया, आपको लगता है कि उनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? देखिए, आज के दिन मैंने बहुत पहले कहा था कि ये सब भाड़े के पहलवान हैं। अब भाड़े के पहलवान को जो चिप में फिट हो गया उतना बोलते हैं, समाजवादी पार्टी ने उस चिप फुट कर दिया। अखाड़े के पहलवान जब माननीय मुलायम सिंह के साथ थे तो वो सारे लोग जनता के लिए राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करते थे और जनता का काम। लेकिन जब से आए देख लो ये ऐसे ही लोग हैं ना, आ गए जैसे सपा पर सवार हो गए, कांग्रेस आई 2017 में हाफ हो गई, और देखो ऐसे ही पागल कुत्ते की तरह रहेंगे तो जो समाजवादी पार्टी है वो 2024 में साफ हो जाएगी। बीजेपी कार्यवाही कोई सर इसके ऊपर करेगी, इनके ऊपर जिस तरीके का बयान, चाहे रामचरितमानस हो, मंदिरों को बहुत बताना, अब लक्ष्मी माता इसके बाद पता नहीं किस भगवान का नंबर हो, सर तो क्या आप लोग कोई कार्यवाही इनके ऊपर करेंगे? सर देखिए, अभद्र टिप्पणी या मर्यादित भाषाओं के लिए चुनाव आयोग खुद अब संज्ञान ले रहा है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया सब है। मीडिया इस मामले को ला रही सामने और निश्चित रूप से कोई न कोई उनके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे। इसका बोल इस बयान का उनको चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको लगता है समाजवादी पार्टी? सबसे पहले तो निषाद खड़े हैं इंतजार कर अपने गाँव में, क्योंकि भगवान राम निषाद राज के आत्मबाल सखा थे और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राम के बारे में बोलने का मतलब निषाद राज के बारे में बोलना है, और हमारी आबादी इंतजार कर रही है कि कैसे अधर्मी हमारे गांव में आए तो फिर इनका दवाई किया जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद थे, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो निंदनीय है और मानसिक दिवालियापन के वो शिकार हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।